गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक नया डाउट बच्चों का आफ्टर यूपीपीसीएल जेई एंड एई का जो रिजल्ट आया है, एक नया डाउट आया है बच्चों के अंदर कि सर ट्रांसमिशन लें कि डिस्ट्रीब्यूशन लें, पहला डाउट। दूसरे मेरे पास फोन आ रहे हैं सर ऊपरी कमाई किस में ज्यादा होगी, तो आज मैं इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देने के लिए आया हुआ हूँ। तो दोज हु डज नॉट नो मी, माई नेम इज सुभाष शर्मा एंड आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 1 इन मोर देन 12-13 एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, ट्रांसमिशन लेना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए। देखिए, किसी के भी लाइफ के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक इंसान चाहता है लाइफ में टू मच बिजी होना और एक इंसान चाहता है लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम देना। एक चाहता है कि उसको चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे, किसी भी दिन ऑफ ना मिले। एक चाहता है उसको ऑफ मिले। ठीक है, तो अब आप अपने आप को ये देखिए कि आप किसके अंदर आते हैं, ऊपर वाले में आते हैं कि नीचे वाले में आते हैं। अगर आप नीचे वाले में आते हैं तो मैं कहूंगा कि आप ट्रांसमिशन पार्ट को ऑप्ट कीजिए। इसके पीछे दो रीजन है कि अगर यूपीपीसीएल का डिवीजन होता है, मींस डिस्कॉम का पार्ट अलग बनता है और डिस्कॉम को प्राइवेट किया जाता है, तो आप लोग सेफ रहेंगे। दूसरी बात, जिनको ज्यादा ही हेक्टिक लाइफ पसंद है, जो जिंदगी में और कुछ नहीं करना चाहते हैं, खाली एचडीओ तक या जेई तक ही सीमित रहना चाहते हैं, वो भैया यूपीपीसीएल में जेई बन जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में। और चाहते हैं कि अगर ये आगे उस प्राइवेट हो और आप लोग भी इसके अंदर शामिल हो जाएं, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है भाई, किसकी वैल्यू ज्यादा? भैया चाहे ट्रांसमिशन का जेई हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का जेई हो, सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक पावर होती है, राइट। दूसरी बात, पावर भी क्या होती है, आप चाहे ट्रांसमिशन का जेई हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का जेई हो, बोथ हैव टू वर्क फॉर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का ऑर्डर सर्वोपरि है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन जेई के पास ज्यादा पावर, ट्रांसमिशन जेई के पास कम पावर है। डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है वो सर्वोपरि रहेगा। ट्रांसमिशन जेई इज गोइंग टू हैंडल ऑल 11 KV फीडर। 11 KV हो सकता है, 33 KV हो सकता है, 66 हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिशन जेई की जो पोस्टिंग रहेगी हमेशा सब स्टेशन पर रहती है। सब स्टेशन में हो सकती है, कंस्ट्रक्शन में हो सकती है, ठीक है, एमएनपी टीम में हो सकती है, मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन टीम में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन जेई होता है वो हमेशा फील्ड में रहेगा। ठीक है, इनके अंदर भी तरह तरह के बना रखे हैं इन्होंने कि भैया स्टोर का बना रखा है, स्टोर का डिस्ट्रीब्यूशन जेई होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फील्ड का बना रखा है, फिर एमएनपी का बना रखा है, इस टाइप से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब आप अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं लाइफ में ग्रोथ होना और अगर आप जेई बने हैं तो चाहते हैं कि आप बीटेक करके एई बने या बीटेक प्लस डिप्लोमा है जेई बन रहे हैं तो एई बने, तो देन ऑप्ट फॉर ट्रांसमिशन जेई। व्हाई? क्योंकि यहां पे आपको पढ़ाई वगैरह करने का टाइम मिल जाएगा और आप जेई से अगले साल हो सकता है एई बन के वापस डिपार्टमेंट में एंट्री करें। Those who are selected as AE, मैं आपको सजेशन दूंगा ट्रांसमिशन पार्ट ऑप्ट कीजिए। AE की कोई लाइफ नहीं होती है, प्रिपेयर फॉर SDM और एनी स्टेट पीसीएस सर्विस। ये दो क्राइटेरिया भाई। पैसा किसमें ज्यादा है? पैसा किसी में भी नहीं है। ठीक है, एक दिन पकड़े जाओगे, रेड पड़ेगी विजिलेंस की, जितना भी कमाया होगा सब अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये पैसा वैसा वाला तो छोड़ दीजिए। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, ना कभी रिकमेंड करूंगा कि भैया रन फॉर मनी, दिस इज वेरी वेरी बैड। एक बार आएंगे उसमें रडार में, आपके सारी खेल खत्म। तो ये पैसा वैसा तो किसी में नहीं है। ठीक है, पैसा का छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। क्वार्टर भैया दोनों को मिलता है, जय ट्रांसमिशन का हो, जय डिस्ट्रीब्यूशन का हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। गर्ल्स जितनी भी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जेई में बन रहे हैं तो ट्रांसमिशन पार्ट में ही जाइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में जाने का कोई मजा नहीं है। ठीक है,
और फैमिली को टाइम देना चाहेंगे तो ट्रांसमिशन पार्ट को जाइए। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो जेई और एई की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग मेरे OCMTQ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माई OCMTQ बैच, ठीक है, OCMTQ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जेई की फीस 1 जून तक 399 रुपीस है, उसके बाद जेई की फीस 599 रुपीस हो जाएगी जून के बाद, ठीक है। आफ्टर वन जून जो इंटरेस्टेड है जेई ज्वाइन करने के लिए कर लीजिएगा, 599 फीस हो जाएगी आफ्टर वन जून। और एई की फीस है 799, एई की फीस 799 रुपीस है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो मुझको 8588 3525 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।